Everyone, today we are going to start exercise of chapter 1. Part 1 की आगे की एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं. इससे पहले हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तक कंप्लीट कर लिया था. Now we will start question number 5. पर्यायवाची शब्द लिखिए. Question number 5. प्रश्न 5 है, पर्यायवाची शब्द लिखिए. तो पहला पर्यायवाची, पहले ये समझिए पर्यायवाची क्या होता है. पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची उन शब्दों को बोला जाता है, जैसे मैं बोलूं कि किसी भी चीज का नाम है, उसको और क्या क्या बोला जाता है और उसके क्या क्या नामों से उसको पुकारा जाता है, तो वो होता है पर्यायवाची शब्द. जैसे पहला है नौका. नौका को और क्या क्या बोला जाता है? नौका मतलब क्या होता है? नाव. और इसे क्या बोला जाता है? जलयान. और क्या बोला जाता है इसे? बेड़ा. इसी तरह दूसरा सिंधु. सिंधु क्या होता है? उसे और क्या क्या बोला जाता है? सिंधु मीन्स समुद्र. और क्या बोलते हैं? सागर या फिर समंदर भी बोल सकते हैं. अगला पानी. पानी को और क्या क्या बोला जाता है? जल, नीर और वायु. इसी तरह फोर्थ मोती. मोती को क्या क्या बोलते हैं हम? शशि प्रभाव, मुक्ता और सी पिच. तो ये हमारे पर्यायवाची हैं जो कंप्लीट हो गए. इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं विलोम शब्द. छह देखते हैं. विलोम शब्द लिखिए. विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा. किसी भी शब्द का उल्टा शब्द वो होता है विलोम. जैसे मैं बोलूं आपसे खड़े होना, खड़े होने का उल्टा क्या हो जाएगा? बैठना. हम दो चीजें कर सकते हैं, या फिर खड़े हो सकते हैं या बैठ सकते हैं. तो बैठना, खड़े होना, इस तरह जो भी शब्द दे रखे उसका उल्टा विपरीत शब्द लिखना है, विलोम शब्द लिखना है. जैसे हम अपोजिट करते हैं से उसी तरह. तो पहला विलोम विश्वास. विश्वास का विलोम अविश्वास. दूसरा उत्साह. उत्साह का विलोम अनुत्साह. तीसरा खाली. खाली का भरा. चढ़ना, गिरना. सहज, कठिन. स्वीकार, अस्वीकार. हार, जीत. असफलता, सफलता. इस तरह हमारे विलोम शब्द पूरे हो गए हैं. अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7. तत्सम शब्दों से तद्भव रूप से मिलाइए. तत्सम शब्दों को तद्भव रूप से मिलाइए. अब ये तत्सम और तद्भव क्या होता है? तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो शुद्ध हिंदी के होते हैं, और तद्भव जो थोड़े से हिंदी और थोड़े से दूसरी भाषा से मिलकर लगभग हिंदी की तरह ही होते हैं, हिंदी भाषा की तरह ही होते हैं. तो मृतिका. मृतिका को हम देखें, यहाँ पर हमारे तत्सम शब्द लिखे हुए हैं, मतलब प्योर हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं. उन्हें तद्भव शब्दों से मिलाना है. किस चीज को क्या बोलते हैं? तो मृतिका. मृतिका किसको बोलते हैं? मृतिका बोलते हैं मिट्टी को. हमारा मृतिका का पहला हो गया मिट्टी. इस तरह आपको नंबरिंग करना है, लाइन नहीं खींचना, ठीक है? दूसरा मुक्ता. मुक्ता मतलब मोती. मोती ये हमारा दूसरा हो गया. अब तीसरा प्रस्तर. प्रस्तर मीन्स पत्थर. पत्थर हो गया ये हमारा तीसरा. आगे है कपूत. कपूत मीन्स कबूतर. तो ये हो गया हमारा फोर्थ. अगला स्वर्ण. स्वर्ण मीन्स सोना. सोना हीरा. ये हो गया हमारा पांचवा. और मृत्यु मीन्स मरना, मौत. हीरा मौत. तो ये हो गया हमारा सिक्स्थवा. इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6. जिस तरह हम मैच का फॉलोइंग करते हैं, जोड़ी बनाव करते हैं, उसी तरह हमें ये सॉल्व करना है. तो तद्भव और तत्सम शब्द कंप्लीट है. प्रश्न नंबर 8 देखते हैं. नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य बनाइए. हमें शब्द दे रखा होगा, उसका यूज करके हमें वाक्य एक सेंटेंस बनाना है. जैसे पहला दे रखा है गोताखोर, तो ऐसा शब्द बनाना है, ऐसा वाक्य बनाना है हमें जिसमें ये शब्द आ जाए, ठीक है? तो मैंने शब्द बनाया गोताखोर समुद्र में गोते लगाता है, ठीक है? दूसरा चींटी. चींटी का शब्द बनेगा, हम चींटी का शब्द बना सकते हैं. चींटी दीवार पर खाना.
ओके। ना थर्ड मुट्ठी, गोताखोर हमेशा अपनी मुट्ठी खाली नहीं लाता। ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा त्याग, त्याग का वाक्य बनाएं। लोग सफलता पाने के लिए नींद चैन भी त्याग देते हैं। अगला पांचवा मैदान, हमें संघर्ष का मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए। तो इस तरह आपने शब्दों का इस्तेमाल करके वाक्यों में बदला था। तो इस तरह हमारा प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट है। अगला प्रश्न हम शुरू करते हैं। नवा प्रश्न देखते हैं, वाक्यांशों के अर्थ लिखिए। हमें कुछ एक वाक्य दे रखा हुआ, उसका मतलब क्या होता है हमें वो बताना है। जैसे पहला उत्साह दूना होना, दूना मतलब डबल दुगना। उत्साह दूना होने का मतलब है साहस बढ़ना, साहस मतलब हिम्मत बढ़ना। नया पार ना होना मतलब होता है असफल होना, हम फेल हो जाते हैं किसी काम में, असफल हो जाते हैं, तो असफल होना। रगों में साहस भरना का मतलब होता है उत्साहित होना, कुछ में उत्साह लाना है, हम इतनी हिम्मत है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह उत्साहित होना। हमारा प्रश्न नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। इस तरह पार्ट 1 कंप्लीट है। आप लोग अपने कॉपी में पार्ट 1 कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 के साथ फिर मिलेंगे।